का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। श्री कृष्ण सेतु के अलावा मुख्यमंत्री NH80 पर बने घोरघट पुल का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा स्थल का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर की जनता को एक तोहफा देंगे, तोहफा पुल के रूप में देंगे। श्री कृष्ण सेतु जो बन गया है आज उसका लोकार्पण होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल बनाया गया है, इंतजाम जो है काफ़ी अच्छे हैं, जो भी कुर्सियाँ लगाई गई है सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, कोविड लाइन का फॉलो करते हुए। केंद्रीय मिनिस्टर जो हैं वो वर्चुअल माध्यम से इसमें जुटेंगे। साथ में बता दूं कि अन्य जो भी बेगूसराय से भी कुछ सांसद और विधायक के आने की सूचना है। मुंगेर पुल का लोकार्पण हो रहा है। मुंगेर के लोगों को जो आकांक्षा था, चिरपरिचित आकांक्षा था, वो पूरा होने जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिए गए ये सौगात है। जो भी होगा समय पर कार्यक्रम का होना है। पुल जो हम लोगों का 19 वर्ष तो इसका इंतजार किए, और इसके पहले भी कई सालों से लोग जो है मुंगेर के वासी, खगड़िया और बेगूसराय के वासी लगातार जो मुंगेर और खगड़िया और बेगूसराय के बीच जो दूरी था गंगा नदी के कारण, वो उसको पाटने के लिए इतने लोग जो है प्रतीक्षित थे, उसका जो है ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है। और मुंगेर वासियों में काफ़ी खुशी की लहर है, सभी लोग खुश हैं। ज़िले में काफ़ी खुशी की लहर है, हो भी क्यों नहीं कि इतना बड़ा तोहफा ज़िले वासियों को मिला है, जिससे ज़िला जो है विकास में एक अगले कदम की ओर बढ़ जाएगा। अरुण शर्मा, News18 मुंगेर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण सेतु पे। ये सेतु का उद्घाटन होना है तथा इसे ज़िले वासियों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, एक समय बचेगा। जो हम कल तक खगड़िया बेगूसराय घूम के जाते थे तो काफ़ी 3 से 4 घंटा लगता था, या नाव से जाते थे तो काफ़ी समय लगता था, लेकिन ये सेतु बनने के बाद ये समय काफ़ी कम हो जाएगा। इसी चीज़ को हम देखने के लिए आज पुल पे मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये सुनहरा पल देने का काम किया। कितने की लागत से पुल बना है? ये टोटल 93,335 करोड़ रुपये की लागत से ये पुल बना है। सुविधा होगा आवागमन का, जब सुविधा होगा तो मुंगेर के रोजगार का आवागमन होगा, मुंगेर में विकास का आवागमन होगा, मुंगेर के विकास में 4 चन लगेगा, मुंगेर के विकास का पहिया का गतिमान होगा। मुंगेर के विकास में 4 चांद लगेंगे, अवश्य लगेंगे। 4 मिनट में पुल क्रॉस कर लेना बहुत सुखद क्षण था, बहुत सुखद पल था, यह एहसास हमने भी किया है। आप कल जब पुल स्टार्ट हो जाएगा तो यह एहसास यहाँ की जनता